हज़ारा है और मैं पाकिस्तान कराटे टीम की कैप्टन हूँ। मैं पाकिस्तान की पहली लड़की हूँ जिसने साउथ एशियन लेवल पर गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है, और रिसेंटली कोविड से पहले जो साउथ एशियन गेम्स हुई उसमें मैंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल विन की है, और अपने वेट कैटेगरी में मैं 17 ईयर से अनबीटन नेशनल चैम्पियन हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अवार्ड्स विन की है, आइकन ऑफ द नेशन, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, और अभी रिसेंटली जो 23 मार्च को ISPR वालों ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इन्वाइट किया था उसमें मैं नॉमिनेटेड थी। अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो जब मैं 1.5 साल की थी तब मेरी अम्मी की डेथ हुई, जब मैं 7 ईयर्स की थी तब मेरे फादर की डेथ हुई, उसके बाद जो मैं अपने सिस्टर के साथ रहने लगी जो मेरे बहनोई थे वो कराटे मास्टर थे, सो फिर मैं उनकी वजह से इस फील्ड में आई। लेकिन पर्सनली फिर भी मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे पर्सनली शौक़ था कि मैं एक डॉक्टर बनूँ, पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था। जब मेरे हम लोग क्वेटा से कराची मूव कर गए, मेरे सिस्टर कराची मूव, तो मैं उनके साथ कराची आ गई। सो कराची आके मेरे जो बहनोई टारगेट हुए, जो वहाँ पे तब हालात बहुत ख़राब चल रहे थे, उनकी विश थी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ। सो जब उनके टारगेट हुए वो दुनिया से चले गए, सो फिर उसके बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। सो फिर मैंने कराची को बहुत सीरियस लिया कि मैं उनकी विश पूरी करूँ। याद है काफ़ी साल पहले की बात है, मैं ख़ुद कमरे में जाके अकेली ट्रेनिंग करती थी, जो मुझे टेक्निक्स आते थे मैं कोशिश करती थी मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊं। तब तो YouTube इतना आम नहीं होता था, लेकिन फिर भी मैं ख़ुद कोशिश करती थी कि जो मुझे टेक्निक्स आते थे मैं उस पर ट्रेनिंग करूं। वो एक जोश था कि बस मेडल विन करना है और कुछ करना है, सो फिर वही पैशन लेके मैं आगे बढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने नेशनल लेवल पर मेडल विन किया और अपने उस्ताद की विश पूरी की। बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बहुत साल पहले की बात करूं मैं, स्पेशली अगर मैं अपने कम्युनिटी की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे कि लाइक लड़की होके कराटे खेल रही है अच्छी बात नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल में जाके रहना, आउट ऑफ सिटी ट्रेनिंग कैंप्स अटेंड करना, सो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती थी उस टाइम। लेकिन वक्त के साथ साथ जब हम लोग मेडल्स विन करने लगे, हम खेलने लगे, हम मीडिया में आने लगे, सो वो खुश होते कि लाइक हमारी वजह से लाइक हमारी कम्युनिटी का नाम रोशन होता है, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होता है, सो वो लोग सोच चेंज हो चुकी है। सो खुशी होती है कि अब लोगों की सोच चेंज हो चुकी है। अब जब मैंने स्टार्ट किया मैं अकेली थी, अब मैं देखती हूँ क्वेटा से स्पेशली बहुत सारी लड़कियाँ और या पूरे पाकिस्तान से बहुत सारी लड़कियाँ आ रही है, खेल रही है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है, सो खुशी होती है सब देख के। गर्ल्स को मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी फील्ड में, आप ये मैं ज़रूरी नहीं कि आप स्पोर्ट्स में हो, आप एजुकेशन की फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में, आप अपने पाकिस्तान की लाइक तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, तो मैं ये कहती हूँ कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। सो पाकिस्तान के लिए आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आप पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज कोशिश करें, पूरी दुनिया में शो करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें।